अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इससे पहले आप देख चुके हैं कॉटलन में कि डाटा टाइप्स कैसे डिफाइन होती हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ क्विक ओवरव्यू अबाउट द ऑल डेटा टाइप्स ऑफ कॉटलन, कि किस तरह से हाउ थिंग्स आर लिटिल डिफरेंट इन कॉटलन, क्या रीज़न है उसके पीछे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। कि जब भी आप डेटा टाइप्स की बात करते हैं कॉटलन में, तो आपके पास फॉर इंस्टेंस आपको कोई वैल्यू डिफाइन करनी है 10, लेट्स से वो आपकी एज है। ठीक है, तो आप सबसे पहले एक वेरिएबल का कीवर्ड लेंगे वार टाइप का, वार नेम से, कि अब जो आगे आप बताने जा रहे हैं वो कोई वेरिएबल है। अब उसके बाद आप उस वेरिएबल का बताते हैं नेम, फिर आप बताते हैं उस वेरिएबल की डेटा टाइप, फिर आप उसको एक्चुअली वैल्यू दे देते हैं। अच्छा, ये काम करने का एक और तरीका क्या है कि आप डायरेक्टली वेर का कीवर्ड यूज कर रहे हैं, उसके आगे वेरिएबल का नेम लिखें और उसको 10 के इक्वेट कर दें, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली खुद ही समझ लेगा कि ये एक इंटीजर है। ठीक है, बिल्कुल यही काम आप बिल्कुल उसी तरह किसके लिए भी कर सकते हैं, यही काम आप स्ट्रिंग के लिए भी कर सकते हैं। कि आप एक वेरिएबल लें और आप कह दें उस वेरिएबल में कि ये कोई वेरिएबल जो है वो स्ट्रिंग है, मीन्स मेरा नेम है, और उस वेरिएबल को कोलन लगा के स्ट्रिंग की डेटा टाइप दे दें और उसको इक्वेट कर दें किसी भी वेरिएबल के, जैसे वो वेरिएबल हेलो हो गया। ठीक है, और इसके अलावा ये काम आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप सिंपली वेर में जो वेरिएबल ले रहे हैं उसको इक्वेट कर दें सिंपली हेलो के, तो कंपाइलर खुद ही समझ जाएगा कि हेलो क्या है, हेलो एक स्ट्रिंग है। ठीक है, सेम गोज विद इफ आई से द बुलियन टाइप। ना बुलियन टाइप का आप बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं कि वेर के जो आपका कीवर्ड है उसके साथ आप इज अलाइव एक वेरिएबल ले लें और उसकी रिटर्न टाइप डेटा टाइप बुलियन ले लें और उसको इक्वेट कर दें ट्रू के। तो यही काम जब आप वेर के वेरिएबल के साथ इज अलाइव को इक्वेट करेंगे ट्रू के, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली ये समझेगा कि ये इज लाइव किस टाइप का है, इज लाइव बुलियन टाइप का। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप्स। अब आपके पास कॉटलिन में जो जो बात मैं कह रही थी कि कॉटलिन में थिंग्स आर लिटिल डिफरेंट, तो द रीजन बिहाइंड दिस इज इन कॉटलिन वी हैव डेटा टाइप्स आर ऑलवेज ऑब्जेक्ट्स, दैट इज देयर आर नो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन केस ऑफ कॉटलिन, जैसे कि जावा में होता है। सो ऐसी चीजें कॉटलिन ने इम्प्रूव कर दी हैं, जावा में से रिमूव कर दी हैं। तो जितनी भी डेटा टाइप्स यहाँ आपको नजर आ रही है ना, ये सब ऑब्जेक्ट्स की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, सो इनका साइज क्या होता है, डबल 64 बिट का होता है, फ्लोट 32, लॉन्ग 64, इंटीजर 32, 16, शॉर्ट एंड बाइट इज फॉर 8 बिट्स। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप इस तरह से कह रहे हैं कि डेटा टाइप्स बता रहे हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर आप यहाँ नोट करें तो जितनी भी डेटा टाइप्स यहाँ कॉटलिन में यूज होती है ना, इनका फर्स्ट वर्ड देखें कैपिटल है। ठीक है, एंड दे आर एक्चुअली बिहेविंग एज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जब मैं बात करती हूँ इसकी, अगर मैं एग्जाम्पल्स देखूँ तो जब मैं ट्रू फॉल्स की बात कर रही हूँ तो मैं बात कर रही हूँ बोलियन टाइप की। ठीक है, इसके अलावा एंड सो ऑन इसकी और एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, जब मैं एल की एक्सटेंशन लगा रही हूँ तो मीन्स मैं लॉन्ग की बात कर रही हूँ, जब मैं एफ लगा रही हूँ आगे तो मीन्स मैं फ्लोट की बात कर रही हूँ, जब मैं आगे डेसिमल का डी लगा रही हूँ तो मीन्स मैं डबल की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये सब आपको आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से इनका साइज होता है, क्या इनकी एग्जाम्पल्स हैं। ये आपको एज एन इंजीनियर ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। लेट मी क्लियर द एनोटेशंस, लेट मी क्लियर दिस ड्राइंग्स। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड आफ्टर डेटा टाइप्स, हम एक क्विक इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं यूजिंग कॉटलिन कंपाइलर। लेट मी ओपन द कॉटलिन कंपाइलर। ओके, अब इस कॉटलिन कंपाइलर में हम एक वेरिएबल ले सकते हैं नेम, जिसकी आप कह सकते हैं कि भाई इसकी डेटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। ठीक है ना, और उस वेरिएबल को कोई सेमी कॉलन लगाने की जरूरत नहीं है, उस वेरिएबल को आप इनिशलाइज करा सकते हैं कोई भी स्ट्रिंग। ठीक है, आपने कोई भी स्ट्रिंग इनिशलाइज करा दिया। इसके अलावा और क्या वेरिएबल्स और क्या डेटा टाइप्स होती हैं हमारे पास, एज एक डेटा, एज एक वेरिएबल है जिसके डेटा टाइप में इंटीजर ले सकती हूँ, उसको इनिशलाइज करा सकती हूँ 10 के। ठीक है, और क्या, ये हो गया 10। और क्या होता है हमारे पास, और हमारे पास होता है बुलियन। ठीक है, तो बुलियन में मैंने कह दिया इज अलाइव और मैंने उसको टाइप दे दी बुलियन की। देखें, ऑलवेज कीप रिमेम्बर कि इसका जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल है। ठीक है जी, बुलियन डबल ओ। ठीक है, अब ये सही हो गया है। देन हमारे पास और क्या क्या होते हैं, और हमारे पास बुलियन के अलावा होता है फ्लोट, तो मेरे मार्क्स फ्लोट में आ सकते हैं, तो फ्लोट का एफ कैपिटल बनाना है। अगर आप फ्लोट का एफ स्मॉल बनाएंगे तो मीन्स ये अब आपने गलत कर दिया, देखें अब ये स्मॉल हो गया है। ठीक है, ये सही नहीं है, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि क्योंकि कॉटलन में ये सब एक ऑब्जेक्ट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो फ्लोट का एफ आपको कैपिटल रखना है, बुलियन का
बी कैपिटल रखना है, आई इंटीजर का आई कैपिटल रखना है, ठीक है। और फ्लोट में मैंने आपको क्या बताया था कि आगे आपको स्मॉल एफ या कैपिटल एफ इंसर्ट करना होता है इसमें, ठीक है। 17.9 का के आगे आपने क्या इंसर्ट करना है, कैपिटल या स्मॉल एफ, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, फ्लोट हो गया, क्या रह गया, डबल रह गया, तो परसेंटेज ले लेते हैं हम डबल की, ठीक है। डबल और इसको इक्वेट कर देते हैं 98.77%, ठीक है, जिसके आगे आप डी लगा सकते हैं, ठीक है। देन यू हैव जेंडर, जेंडर जो कि कैरेक्टर टाइप का हो सकता है, ठीक है। जेंडर की मैंने टाइप रख दी 4 कैरेक्टर टाइप, और उसको इक्वेट कर दिया सिंगल कोट से कि जेंडर है फीमेल, ठीक है। तो अब आप इसको रन करें तो आपके पास कुछ प्रिंट होगा, ऑब्वियसली कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। जब आप प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट होगा ना, तो अगर मैंने प्रिंट कराया प्रिंट नेम, तो क्या प्रिंट होना चाहिए जो नेम के वेरिएबल में है। अगर मैं प्रिंट कराऊं और मेरे पास क्या है इज अलाइव, तो ट्रू प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं प्रिंट कराऊं क्या है मेरे पास मार्क्स, तो जो भी मार्क्स हैं वो प्रिंट होने चाहिए, ठीक है। तो दिस इज समथिंग, ठीक है। अब मैंने सिर्फ प्रिंट 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 लिखा, इसलिए लाइन से प्रिंट हो गया। अगर मैं चाह रही हूँ ये नेक्स्ट लाइन में प्रॉपरली प्रिंट हो, तो मैं क्या लिखूंगी, प्रिंट लाइन, और इसको क्या कर देंगे हम, रन कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया हमारा आउटपुट, ठीक है। जो प्रिंट कराएंगे वही प्रिंट होगा, जो प्रिंट नहीं कराया वो नहीं प्रिंट हुआ, ठीक है। सो ये बेसिक डेटा टाइप्स है जिनका आपको आइडिया होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि एज, ये इज अलाइव, ये मार्क्स, ये परसेंटेज, ये जेंडर के जो वेरिएबल्स हैं, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट्स हैं कॉटलिन में, और ये एवरीथिंग, ये जो सारे डेटा टाइप्स हैं ना, ये सब क्लास की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस आर वन क्लास, दिस इज समथिंग विच इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग अबाउट कॉटलिन, राइट। सो यू नीड टू नो अबाउट दिस थिंग, दिस इज अ क्विक ओवरव्यू of the data types. So in the next lecture we're going to discuss more about some more interesting things of Kotlin. For now, thank you so much. Meet you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.